अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर से हाज़िर हैं इन्फॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मोहम्मद असलम जिन्ना मरहूम का कायद आज़म के ख़ानदान से ताल्लुक़ ज़रूर है, मगर वो कायद आज़म की हमशीरा के नवासे थे। 2001 में नज़रिए पाकिस्तान फॉर्म कराची के चीफ ऑर्गेनाइज़र और एक मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत ने इस खबर की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई कि कायद आज़म के नवासे मोहम्मद असलम जिन्ना कराची में मुश्किलात भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस पर तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन रहबर पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के चेयरमैन मजीद निज़ामी ने असलम जिन्ह के लिए महाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, जबकि मजीद निज़ामी के कहने पर मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा और सन्नतकार मियाँ फारूक अल्ताफ ने भी असलम जिन्ह के लिए महाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। कराची की नामोर समाजी शख्सियत और मुमताज़ सन्नतकार ए मजीद ने सखी कब्रिस्तान के पास अंडा मोड़ पर इन्हें एक मकान लेकर दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और ताहयात वफाकी वजीर महमूद अली मरहूम के इलम में जब ये बात आई तो उन्होंने उस वक्त ही सिंध हुकूमत से कहकर 5 लाख रुपए की खतीर रकम भी दिलवाई। बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने भी असलम जिन्ह के लिए 15,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। इसके अलावा सिंध हुकूमत की जानिब से इन्हें 6 लाख रुपये सालाना दिए जाते थे। बैतुल माल से 50,000 रुपये वजीफे के अलावा इन्हें एक गाड़ी और ड्राइवर भी मिला हुआ था। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से 20,000 रुपये का महाना राशन भी इन्हें फ्राहम किया जाता था, जबकि विंग कमांडर की तरफ से 20,000 रुपये भिजवाए जाते थे। रेंजर्स के किचन से सुबह और शाम का खाना भी इन्हें मुसलसल भिजवाया जाता रहा और ये तमाम सहूलतें आखिरी दम तक इन्हें दस्तयाब रहीं। हर साल कायद आज़म के योम वफात और योम पैदाइश पर मोहम्मद असलम जिन्ना और इनकी फैमिली को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मज़ार कायद लाया जाता था। इसके अलावा मोहम्मद असलम जिन्ना और इनकी फैमिली को इलाज व मालजा की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की गईं। अगर इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखा जाए तो ये कहना बेजा ना होगा कि पाकिस्तानी कौम ने उनका कायद आज़म के करीबी रिश्तेदार होने का हक अदा कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।